Hi kids, how are you all? Welcome to your English class. So today we are starting with a new chapter from your book, Literary Journeys, an English Reader Primer Book by Brain Root Series. तो ये हमारी बुक का नाम था. अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर है Vowels and Consonants. So let's start this chapter. पढ़ते हैं हमें इस चैप्टर में क्या करना है. चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास ये A to Z लिखी हुई है, राइट. A to Z तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं ना, किस तरीके से हमने कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे वॉवल्स के बारे में. चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है. कलर लेटर्स आर वॉवल्स. तो उन्होंने बताया है कि जो भी इन 26 लेटर्स में जो जो कलर्ड है ना ब्लू से, वो सारे वॉवल्स कहलाते हैं. और जो अनकलर्ड है, जिनका कोई कलर नहीं है, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट्स है. तो ये बात अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो कलर्ड है वो वॉवल्स है. आपको ध्यान रखना है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल्स होते हैं. कितने वॉवल्स होते हैं, मेरे साथ बोलेगा, 5 वॉवल्स. 5 वॉवल्स होते हैं. सबसे पहले होता है ए, फिर होता है ई, आई, ओ, यू. ये 5 वॉवल्स देखो, ए, ई, आई, ओ, यू. कितने वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स हैं. ठीक है, जो बचे हुए हैं ना सारे, जिसमें कोई कलर नहीं है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, T, V, W, X, Y and Z, ये सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 5 जो है ना, A, E, I, O, U, ये सारे वॉवल्स हैं. ठीक है, और उनको छोड़ के जो भी बच्चे हैं ना सारे B, C, D, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं. बात को समझिए अच्छे तरीके से, कौन से वॉवल्स हैं. A, E, I, O, U सारे वॉवल्स होते हैं और जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, हमें वॉवल्स लिखना है. वॉवल्स के जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं उन्हें लिखना है. सी, राइट वॉवल्स इन द गिवन स्पेस. जो आपको जगह दी हुई है उसमें आपको सारे वॉवल्स लिखने हैं. कितने वॉवल्स होते हैं, 5 होते हैं ना. ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ. सबसे पहले है ए, ई, आई, ओ, यू. Got it everyone? कितने वॉवल्स हैं हमारे पास, we have 5 वॉवल्स. कितने वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स. नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं. अब वॉवल्स को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स होंगे. तो चलो देखो, ए क्या कॉन्सोनेंट है, बी है, यस बी है, सी, डी, ई है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, एफ, फिर क्या आएगा, जी, एच, आई, आई है, बिल्कुल नहीं है, जे, के, एल, एम, एन, पी, ओ कहाँ गया, ओ तो वॉवल है, राइट. फिर क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं है, यू एक वॉवल है, वी, डब्ल्यू, X, Y, Z. ठीक है, तो हमने ये सारे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स प्रॉपर गिवन स्पेसेस में लिख दिए हैं. आप इनको अच्छे तरीके से रीड करें. ठीक है, कितने वॉवल्स हैं, फिर से बता रही हूँ, A, E, I, O, U. A, E, I, O and fifth one is U. ठीक है बच्चों, समझ आया सबको. अब हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इतना ही है इस चैप्टर में. आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, रिकॉल करिए सब मेरे साथ साथ. हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं, हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं. कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं. कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बाकी के होते हैं बचे हुए सारे, वो क्या होते हैं, वेरी गुड, वो होते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो इतना ही था. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.